सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। और हीरोज वेबिनार में ऐश वोभारे सर आए थे, उसमें कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपडेट शेयर किए हैं और इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो जो है जो सबटाइटल वाला हिंदी सबटाइटल वाला वीडियो बना दिया है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ में इसमें शेयर करना चाहूंगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। और जो कैप्शन है इसमें, आप जैसे सबटाइटल जो है, सबटाइटल कैसे देखना है फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसमें पूरे आप सबटाइटल हिंदी में देख सकते हैं। सिंपली जाइए, जो वीडियो चल रहा है उस पर क्लिक कीजिए, सेटिंग का ऑप्शन आएगा वहां पे, कैप्शन का ऑप्शन आएगा वहां पे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे हिंदी का ऑप्शन वहां मौजूद है, उस पर जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपके जो सबटाइटल है वो हिंदी में हो जाएंगे। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, तो इसे आप करके आराम से एक एक पॉइंट को आप देख सकते हैं और सब चीजें आप बड़ी आराम से समझ पाएंगे। हिंदी सबटाइटल बहुत ही बढ़िया वो है और सिंपल लैंग्वेज में है। वैसे ही कुछ पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, आपको क्या अपडेट भी मैं दे दूं अपने हिसाब से जो है मैं नॉर्मली जो देता हूं। और वही चीज है, मिस्टर ऐश मुबारे साहब जिस तरह से जिक्र कर रहे थे यहाँ पर कि जो हमारे यहाँ पर जो बिजनेस की बात करते हैं तो 80% जो है वो बता रहे थे जिस तरह से कि यहाँ पर सारी जो मेन चीज होती है, जो मेन फोकस्ड बिजनेस जो हमारा वेबिनार था उसका मेन मकसद यही था कि देखिये यहाँ पर 20% जो है सब चीजें टेक्निकली चीजें होती हैं और बाकी जो चीजें वो 20% तो टेक्निकली होता है और बाकी 80% जो है विचारधारा मतलब आइडियोलॉजी वहां पे काम करती है। तो यहाँ पर जो टेक्निकली कुछ चीजें हुई हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि सारी जो टेक्निकली प्रॉब्लम हुई है उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि इसमें जैसे बैंक के लेन देन वगैरह जो भी चीजें आती हैं उसमें ऐश मुबारक साहब जरूर यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ चीजें इसमें चूक हुई है, ये हुआ है। तो ये टेक्निकली चीजें जरूर हुई हैं इसके अंदर, लेकिन बाकी जो 80% है वो है विचारधारा मतलब आइडियोलॉजी यहाँ पे काम कर रही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मिस्टर ऐश का मेन फोकस यहीं पर था कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हो लेकिन किस चीज की विचारधारा है और जो आइडियोलॉजी जिसे बोलते हो उससे आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये टेक्निकली चीजें जरूर हो जाएंगी लेकिन जो हमारी विचारधारा है, हमारा जो काम करने का तरीका है वो ऐसा ही रहने वाला है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑन पैसिव जो है, ऑन पैसिव जो है इसके अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है हमारे आपके लिए। और ऑन पैसिव एक मूवमेंट है, एक जो बोल सकते हैं मूवमेंट का मतलब कि यहाँ पे एक आंदोलन की तरह है। और इसके अंदर जो हमारा इस बारे में बोल रहे हैं कि हमारी जो यहाँ पर मानसिकता है वो बदलने वाली नहीं है, मतलब हमारी जो विचारधारा है वो वैसी ही रहने वाली है। तो ये सारी चीजों को आप चेंज, भला से कुछ भी चेंज कर लो, कुछ भी हो, यहाँ पर आपके हेटर्स भी आते हैं और जो भी चीजें यहाँ पे करते हैं कई लोग यहाँ पे क्लिक करके सब चीजें आपकी उड़ाना चाहते हैं, अगर सीधे शब्दों में बताऊं, और एक ही बार में वो चाहते हैं सब कुछ हासिल कर ले, तो वो उनकी मेंटेलिटी होगी। बट यहाँ पर ऑन पैसिव की विचारधारा को है वो आप नहीं मार सकते हो। तो और मिस्टर ऐश मुबारे जैसा यहाँ पे बता रहे थे कि हमारा जो है ऑन पैसिव को यहाँ पर कुचल पाना संभव नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ऑन पैसिव को, जो हमारे एटर्स वगैरह हैं जो सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव को यहाँ खत्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑन पैसिव को कुचला नहीं जा सकता है और ऑन पैसिव का एक विनिंग एटीट्यूड है। यहाँ पर हम विनिंग एटीट्यूड के साथ में मतलब कि यहाँ पर हम जो है जीतने की मानसिकता के साथ में भी बोल सकते हैं और विनिंग एटीट्यूड के साथ में यहाँ पर आए हैं। और अगर विनिंग एटीट्यूड से हम यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर हर कोई यहाँ पर आकर के कुचल सके। और इसलिए ऑन पैसिव की जो विचारधारा है उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए आए हैं, हम यहाँ पे मानवता के लिए काम करने के लिए आए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐश मुबारे साहब जो अपडेट बता रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें देखिए पहले भी वो बोल चुके हैं इस बारे में कि वो सारी चीजें जो है खुल के अब बताने वाले नहीं है। लेकिन इस एंगल से तो कई लोगों का ये मानना है कि अभी जिस हिसाब से ऐश मुबारे साहब बता रहे हैं तो इसमें तो बहुत टाइम अब लग जाएगा। देखियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब उन्होंने यहाँ पर कहा है कि देखिए यहाँ पर जो चीजें हैं 20% तो यहाँ पे टेक्निकल चीज है लेकिन 80% अगर यहाँ पर विचारधारा चल रही है तो इसका ये मतलब है दोस्तों उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता और विचारधारा को भी कुचला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को समझिए, मतलब ऑन पैसिव का अभी भी मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना और ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पर काम करना। उस चीज को तो आप मानसिकता को मार ही नहीं सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो है विनिंग एटीट्यूड के साथ में मिस्टर ऐश मुबारे साहब ने यहाँ पे जो लगभग 20 मिनट का डिस्कशन किया, 19-20 मिनट का डिस्कशन किया हीरोज वेबिनार में, और उसे उन्होंने यहाँ पर अपने सामने लोगों के सामने रखा है। और जिस तरह से यहाँ पे हमारे वहां पे जो भी और लोग जुड़े थे, हमारे फाउंडिंग मेंबर वहां जुड़े थे हीरोज वेबिनार में, उन्होंने भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यही बोला कि 100% हम ऐश मुबारे साहब के साथ में और जो विचारधारा उनकी बनी हुई है, जो आइडियोलॉजी है उस पर वो अगर काम कर रहे हैं तो हम हमेशा उनके साथ हैं। और मिस्टर ऐश मुबारे ने थैंक यू बोला है सभी जो भी लोग हैं उनका कि
आप इस समय में भी जो कैसे भी वक्त हो ऑन पैसिव के हमारे साथ में आप जुड़े हो और आप हमारे साथ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जो लोग यहाँ जुड़े उनका उन्होंने थैंक यू कहा है। और इसीलिए दोस्तों कि ऑन पैसिव के अंदर अभी जो टेक्निकल चीजें भी बहुत कुछ हो रही है, यहाँ पे बैकहेंड पे भी बहुत कुछ काम हो रहा है जो ऐश मुबारक साहब बताते नहीं है या उन्होंने अभी बताना छोड़ दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि ज्यादा चीजें यहाँ पे वो शेयर नहीं करेंगे अब। और इसी चीज को देखते हुए भाई मुझे जहां तक लग रहा है कि मैं भी जल्दी हमारी जो टेक्निकल चीजें और भी ज्यादा बेहतर होकर सामने आएंगे और बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पर सामने आएंगे। और वाकई में जो विनिंग एटीट्यूड के सामने आज से कई सालों से जो मिस्टर ऐश का जो रहा है कि हमें यहाँ पे जीतना ही जीतना है और उसी मानसिकता के साथ में असल में वो चल रहे हैं। और उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए कि जैसे हम कुछ काम करते हैं, जैसे उन्होंने मार्टी डिगामो सर और किसी के एग्जाम्पल दिए, बरसों तक हम काम करते हैं 30-40-42 साल तक और उसके बाद में फिर कई चीजें इसके अंदर आती हैं, ऐसा होता है वैसा। तो जब उन्होंने जब शेयरिंग किया है तो उस 20 मिनट का जो है 19-20 मिनट का जो मैंने यहाँ पे वीडियो में जो ट्रांसलेशन किया है बिल्कुल उसे आप देखिएगा। और एक्चुअल में जो मिस्टर ऐश की सोच अभी भी वही है जो पहले थी और हमेशा आगे भी वही रहना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं, चैलेंजेस जरूर हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो विनिंग एटीट्यूड है उनका वो खत्म होने वाला है। तो बस थैंक यू वेरी मच और बाय बाय गाइज एंड लव यू ऑल। थैंक यू।